Hello everyone, I hope you are. Oh, I have to take this call. Wait a while. Hello? Yeah, I am well. Um, would you mind calling me after a while? Yes, I am stuck in the middle of somewhere. Alright, bye bye. Hi everyone, so this is Diksha, a language learner just like you. वेल दिस वॉज़ अ डेमोस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि कैसे आप कुछ रेपिटेटिव सेंटेंसेस को अपनी डे टू डे लाइफ में इनकलूड कर सकते हैं इंग्लिश बोलने सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इंग्लिश को बोलना स्टार्ट करें और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है बिकॉज़ आपके पास तो ना कोई फ्रेंड है ना कोई एनवायरमेंट है जहाँ आप इंग्लिश बोल सकते हैं कैन पॉसिबल हाउ सो अगर आप I do not expect that all of sudden आप इंग्लिश में बात करना स्टार्ट कर देंगे कि आज आप उठेंगे और सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही बात करना स्टार्ट करेंगे नो no. I am just expecting कि अगर आप 80% परसेंट हिंदी बोल रहे हैं तो आप ट्वेंटी परसेंट उसमें इंग्लिश बोलना स्टार्ट करें और वो आप कैसे कर सकते हैं देखिए कितने सारे वुकैब्स हैं कितने सारे सेंटेंसेस हैं जिनसे हम ऑलरेडी फेमुलर हैं बट द कोशनराइज हेयर क्या हम वो सेंटेंसेस यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में अगर आपको पता है कि पानी को वाटर कहते हैं तो हम कितनी बार पानी को वाटर कहते हैं कितनी बार हम हाँ की जगह यस और नहीं की जगह नो कहते हैं वी आर ऑलरेडी फेमुलर विद दिस वर्ड इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल भी इंग्लिश लैंग्वेज uh, से फैमिलर नहीं है इसका मतलब है कि आप वो प्रैक्टिस में आपकी नहीं है दैट्स वाई यू आर लगिंग सो फॉर दैट अ सिंपल सॉल्यूशन इज यू हैव टू स्पीक दो सेंटेंसेज इन इंग्लिश एक कुछ भारी भरकम वर्ड्स याद करने की जगह मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप ऐसे सेंटेंसेस को याद कीजिए जो आप रिपिटेटिव uh, बेस पे डे टू डे लाइफ में बोलते हैं Uh, मान लीजिए कि हम फ़ोन पे बात करते हैं तो फ़ोन पर बात करते इस टाइम हम कितने सारे सेंटेंसेस हैं जो कहीं बार यूज़ करते हैं जैसे मैं आपको बस दो मिनट में फ़ोन करता हूँ आपको घर पहुँचने के बाद फ़ोन करता हूँ आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है आपकी आवाज़ आ तो रही है लेकिन बस आ रही है जा रही है कट कट के आ रही है आप थोड़ा ऊँचा बोलेंगे सो ऐसे सेंटेंसेस जो हम बार बार लगातार अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं अगर इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में याद करना स्टार्ट कर दें और इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करें सो so, एक वो शुरुआत हो सकती है आपके इंग्लिश बोलने की क्योंकि आजकल हम फोन पर बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करते हैं So today's lesson is all about a few expressions or few sentences which you can use in your day-to-day -day life while having a phone call. सबसे पहला सेंटेंस जब हम बोलते हैं कि क्या मैं मिस्टर संतोष से बात कर सकता हूँ? May I speak to Mr. Santosh, please? कुड आई स्पीक टू मिस्टर संतोष प्लीज़ यहाँ पर हम मे और कुड दोनों मॉडल वर्ब्स का यूज़ कर सकते हैं नाउ द नेक्स्ट वन अब कहीं बार होता है कि हम कॉल करते हैं किसी ना किसी रीज़न के लिए हम कॉल करते हैं या हम किसी को अपडेट करना चाहते हैं या कुछ इंफॉर्मेशन बताना चाहते हैं या किसी के बारे में पूछताछ करना चाह रहे हैं तो एक सिंपल एक्सप्रेशन और सेंटेंस आप बोल सकते हैं द रीज़न आई एम कॉलिंग इज़ टू अपडेट यू द रीज़न आई एम कॉलिंग इज़ टू इन्फॉर्म यू द रीज़न आई एम कॉलिंग इज़ टू inquire about spoken english program okay next sentence hai ki aapki awaaz kat kat ke aa rahi hai i can hear your voice but on and off your voice is jarring ये ऐसे sentences हैं जो आप use कर सकते हैं Instead of saying कि आपकी आवाज कट कट के आ रही है आ रही है जा रही है ओके तो आप बोल सकते हैं योर वॉइस इज़ ब्रेकिंग योर वॉइस इज क्रैकिंग योर वॉइस इज़ जैरिंग, योर वॉइस इज आई कैन हेयर यू योर आई कैन हेयर योर वॉइस, बट इट इज़ ऑन एंड ऑफ इट्स ऑन एंड ऑफ़ मतलब कभी आ रही है कभी जा रही है ऑन एंड ऑफ नाउ द नेक्स्ट वन विच यू कैन से आई केन नॉट हेयर यू एट ऑल मैं बिल्कुल भी नहीं सुन पा रही हूँ आपको आई केन नॉट हेयर यू एट ऑल मैं बहुत मुश्किल से आप आपकी आवाज़ सुन पा रही हूँ आई एम ब्योरली मैनेजिंग टू हेयर यू आई एम ब्योरली बड़ी मुश्किल से ब्योरली मैनेजिंग टू हेयर यू नाउ द नेक्स्ट वन इज कि uh, क्या मैं आपको होल्ड पर रख सकता हूँ क्योंकि ये बहुत ही अच्छी हैबिट है अगर आपको किसी को होल्ड पर रखना है तो उससे पहले आप उनसे परमिशन लीजिए सो देन यू कैन से मे आई पुट यू ऑन होल्ड मे आई पुट यू ऑन होल्ड आफ्टर कनेक्टिंग अगेन यू कैन टेल देम एंड यू कैन अपोलोजाइज एंड यू कैन से सॉरी टू पुट यू ऑन होल्ड सॉरी टू पुट यू ऑन होल्ड मुझे आपका नंबर मिस्टर संतोष ने दिया है इस सेंटेंस को बोलने के लिए दो तरीके हैं या तो आप उसको पैसिव टेंस में बोलें दैट आई वॉज गिवन योर कॉन्टैक्ट बाय मिस्टर संतोष आई वॉज गिवन योर कॉन्टैक्ट बाय मिस्टर संतोष यहाँ पर आप सब्जेक्ट को लास्ट में मेंशन कर रहे हैं और आप उसको सिंपल एक्टिव टेंस में भी बोल सकते हैं दैट आई गॉट योर नंबर फ्रॉम मिस्टर संतोष आपको नहीं पता है कि लाइन पर दूसरा व्यक्ति कौन है जिससे आपकी बात हो रही है और आप पूछना चाह रहे हैं कि मैं किससे मेरी किससे बात हो रही है देन यू कैन से हु एम आई टॉकिंग टू प्लीज आई टॉकिंग टू प्लीज कहीं बार ऐसा होता है कि हमारे फोन में बहुत कम बैटरी होती है और सामने से किसी पर्सन uh, का फ़ोन आ रहा होता है सो so हमें उसको उस मोमेंट पे हम बात नहीं कर सकते लेकिन हम फोन काट भी नहीं सकते हैं क्योंकि शायद कुछ इंपॉर्टेंट हो देन यू कैन से और यू कैन ड्रॉप अ मैसेज एज वेल दैट माय बैटरी इज़ अबाउट टू डाई मतलब मेरी बैटरी बस ख़त्म ही होने वाली है माई बैटरी इज़ अबाउट टू डाई कुड आई कॉल यू आफ्टर अ वाइल और अगर आप किसी से बात कर रहे हो और बात करते करते आपको लग रहा है कि बैटरी ख़त्म हो रही है और कभी भी आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो सकता है देन इस मोमेंट से बचने के लिए आप बोल सकते हो कि आई माइट लूज यू एट एनी मोमेंट एज आई एम रनिंग ऑन लो बैटरी कहीं बार ऐसा होता है कि हम बात कर रहे होते हैं और बीच में बात करते करते कोई अल कोई और कॉल आ जाती है देन आप उन पर्सन को जिनसे आप बात कर रहे हैं उन्हें बोल सकते हैं कि कुड यू प्लीज़ हैंग ऑन आई हैव अनदर कॉल कमिंग इन कुड यू प्लीज़ हैंग ऑन आई हैव अनदर कॉल कमिंग इन यहाँ पर बहुत शोर है इट्स क्वाइट नॉइजी हेयर सॉरी इट्स क्वाइट नॉइजी हेयर कैन आई कॉल यू आफ्टर अ वाइल आफ्टर अ वाइल जैसे हम बोलते हैं कि कुछ टाइम में कुछ क्षण बाद हम मैं कॉल करती हूँ या कुछ मिनट्स में कॉल करती हूँ आफ्टर फाइव मिनट्स आफ्टर टू सेकेंड सो उन चीज़ों से बचने के लिए आप यहाँ पर आफ्टर अ वाइल यूज़ कर सकते हैं केनाई कॉल यू आफ्टर अ वाइल एंड लास्ट बिना द लीज दिस वन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको कोई कन्वर्सेशन एंड करनी है सो so आप उनको बोल सकते हैं कि आई अप्रिशिएट योर टाइम इट्स लवली टॉकिंग टू यू ओके सो इन द लास्ट आई हैव समिंग फॉर यू ऑफकोर्स अ होमवर्क सो होमवर्क ये है कि आपको मुझे ये बताना है कि अगर आपको कोई मिस कॉल दिखती है अपने फोन में अन नोन नंबर से तब आप उसको जब कॉल वापस से करते हो तो उनको क्या बोलते हो वट वुड यू से टू दैट पर्सन आई होप यू फाइंड दिस वीडियो बेनिफिशियल इफ़ यू फाइंड इट बेनिफिशियल प्लीज विजिट आवर चैनल दिक्शा टॉक्स आई विल पुट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग बाय